કેમ છો તમે બધા? સ્વાગત તમારા ભાઈ કે ચેનલ મેં. આઈ હોપ યુ ગાઈઝ આર ડુઈંગ ગુડ. એસી મેં બોલા આજ બેઠ કે વાત છોડી ગઈ. મેં એસે ઇતને બુક્સ તો કંઈ પડતા નહીં હું. અભી એ બાલ એસે ઇસકે લે બીકોઝ કલ શેમ્પુ લગાઈ થી તો એસે હો જાતે. એટલે એ મેં આખી ફટાક સે ખોલ જાતા બીકોઝ બહુ સ્લીપરી હો રહા થા ભાઈ. બાલ બંધ નહીં રહા થા લેકિન કૈસા આગે આ રહા થા તો પૂરો પહેલે બના લેતા હોય. और ना तुम्हें लग गया पटेली मारने कर तो ऐसा कुछ नहीं है. इसमें क्या पटेली है, हर बाल ही है भाई. मेरे को नहीं पता बाल कैसे बने बट ठीक है. कैसे हो तुम लोग सब लोग? किसने मेरा हाल पूछा? किसी को फर्क पड़ा चैट में? किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, शू करे छे? ये मेरा पहला बुक था जो मैंने पढ़ा था अपनी लाइफ में. लाइक स्कूल में तो अपना होता नहीं था पढ़ाई क्योंकि मैं छूती ऐसा बच्चा था क्योंकि मेरे को इतना कुछ पढ़ाई का अक्कल है नहीं. मेरा अक्कल मेरा डोक का थोड़ा सा कम है तो वो छाप छाप के कैसे तो पास हो जाता था. एंड ये रहा ये रॉबिन शर्मा का द ग्रेटनेस गाइड. लाइक पढ़ने के बाद मैंने इसके नोट्स वगैरह बनाए थे बट इसमें से थोड़ी चीज़ें मैंने थोड़ी आ तो मेरे को पता भी नहीं इसमें क्या क्या लिखा हुआ था. लाइक इसके की पॉइंट्स होते हैं ना वो सब मैंने लिख के रखे थे एक छोटी सी बुक पर. वो बुक मेरे पास अभी इधर नहीं दुकान पर रखी है क्योंकि मैं बोला वो घूमने नहीं चाहिए. उसमें की पॉइंट्स लिखे हैं मैंने हर एक चीज़. लाइक इसमें जो भी कोट्स वो सब याद होता ना लाइक ऐसा सुन के ओ ये अच्छा है मतलब ऐसा थोड़ा हाँ सोचने सी बात है तो वो सब लिख के रहेगा था. तो मैंने फिर कोई बुक ही नहीं पढ़ा. लाइक पढ़ता था ऐसा समझने के लिए कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ बट फिर जब समझ में आया कि मैं ऐसे 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 खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ बट खुद के माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ तो फिर मैंने बुक पढ़ना बंद कर दिया. लाइक ये बुक तो मैंने बाय नहीं किए तो मेरी बहन की. बट सबसे पहली बुक लाइक एक ही बुक है मेरे पास जो मैंने बाय किया है या तो दो बुक बोल सकते हैं. और वो बुक लाइक पढ़ने वाला भी सीन नहीं है. लाइक मैं जिसे इंस्पायर होकर ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया है लाइक करना तो बहुत पहले ही था बट ये मैंने आई गेस 7वीं 8वीं में खरीदा था. रुको दिखा रहा नहीं मिल रहा है अभी जैसे ही वीडियो बंद करूँगा घर पे से पूरा वापस आऊँगा जिम में से फिर तब मेरे को मिल जाएगा ऐसा होता है. गेस करो भाई लोग मेरी पहली बुक कौन सी है. लाइक कोई गेस भी नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली किसी को पता भी नहीं है. ये देखो जेक पॉल की. लाइक वो टाइम पे मैं इसके ब्लॉग्स बहुत देखता था बहुत ज़्यादा. लाइक समझ लो लाइक डीपली पूरे ऐसा ब्लॉग देखता था थोड़ा सीखने वीखने के लिए और थोड़ा बकचोदी भी देख के अच्छा लगता था. मतलब बच्चों तब की बात है भाई. ये बुक है जो मेरे पापा को बोल के बाय किया था. आई एस कुछ 500 रुपये की थी. अमेजोन में से शायद मंगाया था मैंने ये भी मेरे को याद है. लाइक मैंने पढ़ा था बट अभी याद नहीं मेरे को याद नहीं भाई. ऐसे ही पढ़ लिया था क्योंकि इंस्पिरेशन जैसा लग रहा था तो फिर मैं बोला मैं भी ब्लॉग करेगा भाई 8वीं 9वीं से. बट फिर किया ही नहीं. यश बीतते गए बीतते गए बीतते गए एंड फिर अभी थोड़ा बहुत बकचोदी करने आ जाता हूँ मैं यूट्यूब पर. अगर मैं सच्चे दिल से तुम लोग को एक बात करूँगा तो यही बोल रहा हूँ कि मेरे को लेग्स भी नहीं मारने के ना फिर को बैक मारने को. मेरा मन तो यही बोल रहा है कि चुपचाप जा करके वो जा लेकिन बक्शोरी कर ले अपने साथ और जाके सो जा. मतलब थोड़ी और फोन में बक्शोरी कर ले आराम से और सो जा. बट ये बाद में ऐसा हो जाएगा फिर वीडियो नहीं बनेगा ना. मतलब कभी तो मैं सच बताऊँ तो वीडियो भी ऐसे में बन जाता हूँ एक्सेप्ट कर रहा सच बता. लाइक मेरा मन भी नहीं होता है ना ही कुछ यूँ यूँ जाने का होता है थोड़ा थका हुआ रहता हूँ बट वीडियो के नाम पे मैं जिम कर लिया था. और लाइक ऐसे ना वैसे मेरा ही फ़ायदा है बट क्या बोलो इस चीज़ को. लाइक दो चीज़ है समझ लो तुम लोग इसमें दो चीज़ आती है. मेरे को जाने का भी होता है नहीं भी जाने का होता है एंड कभी कभी नहीं ही जाना होता है तो वीडियो की वजह से चले जाता है. We'll be right back.
कहीं चलने भी कहीं चल रहा थे। स्विमिंग सिस्टम तो ख़त्म हो गया आज का, लेकिन इतना कुछ सही से ट्रेन नहीं गया रियली एक्सेप्ट। एंड एक भैया देख रहे थे, मैंने ब्लॉग में दिखाया ब्लॉग को, कैमरा वाला को ब्लॉग दिखाया, तो मेरे को बोल रहे थे कैसा ट्रेन करता है तू, तो शर्म आना चाहिए। लाइक बहुत ही हेल्दी वे में, लाइक मेरे को पुश करने के लिए बोलता ना। एंड मेरे को सच में वो मेरे को अंदर से भी ऐसा फील तो हो ही रहा था कि मैं इनफ ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ जो जिम में आके जो करते हैं। लाइक फ़र्क नहीं पड़ता है जिम में 4 दिन गया है या 7 दिन, 7 दिन आके भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम 4 दिन आके भी अगर पुश पास एलिमेंट्स वाली हरकत करते हो, लाइक अच्छे से ट्रेन करके जाते हो, तो वो बहुत ही लाइक वो फ़र्क पड़ेगा ना कि 7 दिन जाके बस नॉर्मली फिर ट्रेन करके आए हो। एंड वो बात लाइक चाहिए भी थी मेरे को अंदर से किरा, पर वो मेरे को बोल रहे थे अगर ऐसा करेगा ना ट्रेन तो कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब अच्छा लगा सुन के, क्योंकि अभी मैं वही सोच रहा था बार बार, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो वही मेरे को बताया थे कि थोड़ा ढंग से ट्रेनिंग कर, एंड लाइक अच्छा लगा सुन के। एंड थोड़ा शर्म भी आया खुद के ऊपर, क्योंकि मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, बट कोई अगर अपने को देख रहा है, कोई अपने से बेटर, अपने से कोई बेटर बंदा है जो पोजिशन में है, एंड उसको वो देख के अगर कुछ बताए तो देखो हमेशा ऐसे जरूरत नहीं वो सही बता रहे, बट ये पार्ट में सर वे एकदम सही, थैंक यू सो मच। मतलब सुन के मेरे को भले वो सब हार्श चीज़ें होती हैं, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के, बिकॉज मेरे को लगता है मैं वैसा ट्रेन नहीं करूँ जैसे मुझे करना चाहिए। तो अब से तुम लोग जो मेरा ट्रेन सेशन देखोगे ना, मैं कसम बता रहा हूँ ऑल आउट जाऊँगा। ऑल आउट मतलब मुझे तो ऐसा मन नहीं करना चाहिए मेरा उठने का सुबह, वैसा ट्रेन करके जाऊँगा। वीडियो में इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा लास्ट बाटली पाइजी माला मनु मी तिथे सांगते आने हो तो लखीन दो हवे थी मार जे ट्रेनिंग सेशन जैसे जोरदार से गारंटी। देखो ज़रूरी नहीं है इसमें कि अगर कोई किसी को आके बोलने की ज़रूरत पड़े, बट अगर किसी को आके बोलने की ज़रूरत पड़ रही है तो कुछ तो गलत हो रहा है। तो अपने खुद से समझ आना चाहिए, बट नहीं समझा तो एटलीस्ट अभी एक रिमाइंडर मेरे को भी मिल गया कि मैं परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो चलते चलते मैं भी सीख गया।